पूरा विश्व भारत ही नहीं विदेश में भी भगवान शंकर की ध्वजा पताका लहराई है। जैसे जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत आनंद के साथ एक बाल्यावस्था से भगवान शिव को घर घर पहुंचाया था, वैसे ही शिव महापुराण आज घर घर तक पहुंची है। परंतु कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के जो विद्रोही होते हैं उनको ये बातें ठीक नहीं लगती, तो वो एक दूसरे को कानाफूसी करते हुए कुछ ना कुछ भड़काते हुए इस तरह के मुद्दे उठा लेते हैं जिससे सनातन धर्म पर लोग हंसें और उसका आक्षेप करें। परम पूज्य रस शिरोमणि है, वो तो राधा के अवतार मानते हैं हम श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को, ब्रजभूमि के रसिक संत हैं और आज तक उनकी कोई वाणी में उनने कभी क्रोध नहीं किया, कभी अपशब्द नहीं कहा। उनकी वाणी जनमानस में नवयुवक बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सबको पसंद आती है और वो ज्ञानी उस तरह का देते हैं। हम खुद भी उनको फॉलो करते हैं, हम खुद भी उनको श्रवण करते हैं और समझ में नहीं आया। जो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का मुद्दा बनाकर हमारे को बदनाम करना चाहते हैं, हमारी जो फॉलोइंग है उसको नष्ट करना चाहते हैं, जनमानस में जो प्रेम जमा हुआ है, विश्वास जमा हुआ है उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, तो उन्होंने महाराज जी के पास में जाकर उस वीडियो को दिखाया होगा जो काट छांट वाली है। मैंने तो हमने अपनी व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया है, नमन किया है कि गुरु जी मुझे बुलाते, मैं पूरे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए जाता और सब चीज़ मेरे पास में, जो चीज़ में मैंने बोला है, जो चीज़ मेरे पास में है वह मैं उनको वहाँ जाकर दिखाता। पर हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने वीडियो किसी ने किस तरह से दिखाया, उनके पास में बैठने वाले ने उनको किस तरह से बताया, किस तरह से कुछ गलत विचार कह दिए। जब एक मंथरा राजरानी केकई जो भगवान राम को इतना प्रेम करती थी उनको भड़का देती है और राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज देती है, तो हो सकता है जिन्होंने उनको वीडियो दिखाई वो गलत तरह से दिखाई, गलत विचार उनके सामने रखा, इसलिए पूज्य गुरुदेव के मुख से शब्द निकला। बाकी के उनसे मेरा कोई विवाद नहीं और उनका भी मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करूँ। अभी ऐसा कोई क्रम नहीं आया और मूलतः गलत बोले नहीं है तो कोई चीज़ गलत है नहीं। कानून भी तो देखेगा कि सत्य क्या है, अगर कानून हमारी पुस्तकों देखेगा तो एक बार ब्रजभूमि में जाकर जावट धाम भी देखेगा, अगर कानून कुछ चीज़ देखेगा तो वो चीज़ भी देखेगा कि जावट में अनेघोष का मंदिर बना हुआ है ब्रज 84 कोष के अंतर्गत। अगर कानून देखेगा तो वेद और पुराण भी खोलेगा, शास्त्र भी खोलेगा, उसका भी तो अध्ययन करेगा कानून। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि कानून को कुछ भी बोल दो तो कानून मान लेगा, कानून भी तो कुछ चीज़ है, संविधान भी तो कोई चीज़ है, वो भी तो सामने आएगा, सामने प्रकट करेगा। देव तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, कबीरदास, रविदास जी, महाराज जी, ऐसे कई राष्ट्र के संत हुए जिनके पीछे लोग पड़े और उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया। ये कुल टोटल मेरी राधा रानी के पर्दे की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जो भोले भाले ब्रजवासियों को भड़का रहे हैं। ब्रजवासी इतना भोला होता है, हमने अपनी व्यासपीठ से भी वर्णन किया कि जब हम बाल्यावस्था से ब्रज की भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं, राधा रानी की हमने भी 51 परिक्रमा करी, ब्रज गोवर्धन नाथ जी की कई परिक्रमा करी, तो हम जब ब्रजवासियों से केवल अन्न मांगते थे, रोटी मांगते थे परिक्रमा के समय पर भूख के लिए कि भोजन कर लेंगे, उस समय पर वो हमें बिठाकर छाछ पिलाते थे। ऐसे ब्रजवासी जो हमारे साथ साथ चलकर पूरी राधा रानी का वृत्तांत कहते थे, भगवान का चरित्र कहते थे, आज उन ब्रजवासियों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मिसगाइड किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है और उनके बीच में बैठकर कहीं ना कहीं उनको भड़काने का कार्य किया जा रहा है, जिससे ये बात का मुद्दा उठे। बात का कोई मुद्दा नहीं है, हमने कभी भी किसी देवता को अपशब्द नहीं कहा, हमने किसी देवी देवता को कभी गाली नहीं दी। आप पूरी वीडियो सुनिए, उस वीडियो में कभी किसी देवी को, किसी देवता को अपशब्द कहा हुआ बताएं तो ये प्रतिपुष्प आपके चरणों में पड़ा हुआ है। मूलतः राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी है, मेरी माँ राधा रानी जिस दिन इशारा कर देगी उस दिन मैं बरसाने पहुंचकर वहां की झाड़ू लगा दूंगा, वहां दंडवत कर दूंगा, पूरी जिंदगी वहीं निकाल दूंगा और मेरी माँ के चरणों में तो मेरा पूरा जीवन है। पर मूलतः जो गलत फहमियां लोगों को दी जा रही है वो जान कर दी जा रही है, गलत बातें लोगों तक पहुंचाई जा रही है वो गलत तरह से दी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा को नीचा दिखाया जाए या शिव पुराण को नीचा दिखाया जाए। देखिए शिव महापुराण की जो व्याख्या है, शिव महापुराण भगवान शंकर जनमानस में जो पहुंचाए हैं, तो ये तो
भगवान शिव की कथा जब जनमानस तक पहुंची है, पहले भगवान शंकर के मंदिर आपने भी देखे होंगे और जितने श्रोता भाई बहन इस मुझे सुन रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं उनने भी देखे होंगे कि भगवान शंकर के मंदिर बंद रहते थे, जाले लगे रहते थे, सफाई नहीं होती थी, कोई जाता था तो सावन और शिवरात्रि पर जाता था। पर आज की स्थिति में भगवान शंकर के मंदिर में छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, लेडीज बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं जा रही है, पुरुष जा रहे हैं। स्थान आज के समय में 12 ज्योतिर्लिंग में सारे ज्योतिर्लिंगों पर आपको भीड़ मिलेगी। चाहे आप केदारनाथ जी देख लीजिए, लाइन लगी पड़ी हुई है, नंबर नहीं मिल रहा है। आप महाकाल बाबा के दर्शन कर लीजिए, आप ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन कर लीजिए, काशी चले जाइए, एक एक ज्योतिर्लिंग में इतना भीड़ है, भक्तों का इतना सैलाब है, ये कई लोगों से सहन नहीं हो रहा। कई लोगों को लगता है कि शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा दिया, अब हमारे दुकान धंधे पानी बंद हो गए, अब हम क्या करेंगे। तो लोगों को लगता तो है, क्योंकि शिव से लोगों को जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी जोड़ा था और यीशु महापुराण ने भी सबको भगवान शंकर से जोड़ दिया। छोटी छोटी बातें जितनी चीजें हैं, चाहे बेलपत्री से जुड़ी हो, काली मिर्ची से जुड़ी हो, काले तिल से जुड़ी हो, शहद से जुड़ी हो, एक एक चीज हमारे शिव पुराण में वर्णन आता है। उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे, एक एक चीज का अध्ययन करोगे तो सब कुछ मिल सकता है उसमें। ऐसा क्या है शिव महापुराण में? त्र्यंबक मंत्र है, जिस मंत्र के कारण स्वयं मार्कंडेय जी को भी अमर तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा शिव महापुराण में एक एक रोग के निवारण के लिए सब कुछ समाया हुआ है। उसको अगर व्यक्ति पढ़े दिल से, बस ये है कि दुनिया के लोगों को तो विरोध करना है, और विरोध किसी दूसरे का नहीं, जो दुनिया में ऊपर बढ़ता है उसी का पांव खींचा जाता है। विरोध केवल इतना है कि प्रदीप मिश्रा जी की लोग सुनते क्यों? घर घर में मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरे बच्चे घर घर के अंदर आखिर शंकर की कथा क्यों सुनते हैं? लाखों लोग उनके क्यों हुए जा रहे हैं? आज लोगों को सबसे बड़ा उस चीज का भ्रम पड़ा हुआ है। जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा, और जो सबको जोड़ेगा, घर में परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको जोड़कर चलता है, वही बूढ़ा होता है। जो सबको जोड़ ले, आज की स्थिति में आप ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर देखिए कि रोडों पर बैठकर लोग कथा सुन रहे हैं, जिनके ऊपर टेंट नहीं लगा, जिनके ऊपर छांव नहीं है, जिनके पास में बैठने का स्थान नहीं है, तो रोड पर लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। कारण क्या है? इनको किसी ने गाड़ी भेजी, बस भेजी, या टिकट दिया, या पैसा दिया, ये उनके अंदर का शंकर जी के प्रति विश्वास, भरोसा जागृत हुआ है, और वो भरोसा आज दिखता है, और वही लोगों को खल रहा है कि इतना भरोसा प्रदीप मिश्रा की वाणी पर क्यों कर रहे हैं।